स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं UPSC की तरफ से एक नई अपडेट जो है निकल कर आई है। ये नया अपडेट है जो UPSC JEE का जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग जो है ये नोटिस आपका जो है जारी किया गया है। जो नोटिस आपका जो है मार्च में, मतलब 8 अप्रैल से आपका जो है 27 अप्रैल तक जो है फॉर्म भरने को जो है नोटिस दिया गया था, और आपका 58 पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर सिविल का था। तो इसका एग्ज़ाम डेट जो है 8 अक्टूबर रखा गया है फोरनून में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपका जो है सेंटर रहने वाला है, और ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का आपका होने वाला है। सारा क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के आपके होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मीडियम जो है इंग्लिश में होगा। रॉन्ग क्वेश्चन करने पर जो है आपका नंबर कटेगा 1/3, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हो अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जमुई, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर पोर्ट ब्लेयर, रांची, विशाखापट्टनम, ये सभी जो है आपका यहाँ पे सेंटर होने वाले हैं। टोटल जो है आपका 300 मार्क्स के जो है आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल, सॉयल मैकेनिक्स, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इससे जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरी 50 एंड एवर, मतलब यहाँ पे एक तरीके से नंबर बात किया जा रहा है कि 50% एक तरीके से अगर रहेगा तो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है ये भी कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 75 और 25 का रेशियो होगा, यानी जो एग्ज़ाम हुआ वो और जो इंटरव्यू हुआ वो, मैंने 75-25 का जो है रेशियो के बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्ट, एक फाइनल जो है लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। बाकी यहाँ पे ये भी बताया गया कि आप जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं सेंटर को चेंज करने को लेकर। और अगर कोई और सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।